गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम, जय हिंद। साथियों, सहायक शिक्षक भर्ती हम एमसीक्यू टेस्ट सीरीज ला रहे थे। हमने 17 जनवरी 2023 को फर्स्ट टेस्ट सीरीज जारी कर दिया है। आज हमारा सेकंड टेस्ट सीरीज है, जो कि 18 जनवरी 2023 को एमसीक्यूज, आज की एमसीक्यूज की चर्चा की हम शुरुआत यहीं से शुरू करते हैं। सभी पेन कॉपी लेकर रेडी हो जाइए, हम जो एमसीक्यूज बताने जा रहे हैं, 10 एमसीक्यूज फिर आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। एक एक करके आप उनके आंसर देते रहेंगे, साथ में लास्ट में आप जब उसके आंसर बताएंगे तो आपका कितना सही हुआ वो भी आप बताएंगे। जो भी साथी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए हम सीधा वीडियो पर आते हैं, सीधा शुरू करते हैं क्वेश्चन को। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11 दिखाई दे रहा है। साथियों, निम्न में से किसके द्वारा एक बालक के विकास का निर्धारण किया जाता है? निम्न में से किसके द्वारा एक बालक के विकास का निर्धारण किया जाता है? ए, बालक की आनुवंशिक संरचना द्वारा। बी, बालक की आनुवंशिक और वातावरण दोनों की जटिल संरचना के द्वारा। सी, बालक संबंधी वातावरणीय दबावों द्वारा जिन पर शिक्षक का कोई नियंत्रण नहीं होता। या डी, बालक संबंधी उन वातावरणीय दबावों द्वारा जो विद्यालय द्वारा नियंत्रित किए जा सकते हैं। जल्दी से प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर आप सभी साथी दीजिए, ताकि हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ सकें। चलिए हम प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर बता देते हैं। देखिए, वातावरण की आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों, ठीक है। देखिए, बालक संबंधी वातावरणीय दबाव, इसमें इसका जो उत्तर हो जाएगा साथियों, वातावरण की आनुवंशिकता और वातावरण, ये दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण होता है बालकों के विकास के लिए, ठीक है। विकास की प्रक्रिया वातावरण पर तो निर्भर करती ही है साथियों, साथ ही साथ आनुवंशिकी पर भी इसका जो प्रभाव है पड़ता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, ये आप सभी साथी याद रखेंगे। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 की तरफ हम बढ़ते हैं साथियों। देखिए, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, विकास की किस अवस्था में बालकों की खेलकूद संबंधी रुचि का अधिकतम विकास होता है? विकास की किस अवस्था, ये जो बालक की बात की जा रही है, इसमें खेलकूद संबंधी विकास होगा। ए, प्राथमिक बाल्यावस्था में। बी, पूर्व बाल्यावस्था में। सी, प्राथमिक किशोरावस्था में। या डी, अंतिम किशोरावस्था में। एक बार और प्रश्न को सुनिए, विकास की किस अवस्था में बालकों की खेलकूद संबंधी रुचि का विकास होता है? प्रश्न क्रमांक 12, जल्दी से उत्तर देंगे साथियों। चलिए हम इसका आंसर बता देते हैं। 12वां का उत्तर हो जाएगा बी, पूर्व किशोरावस्था, ठीक है साथियों। प्रश्न क्रमांक 13 की तरफ हम बढ़ते हैं। आपको स्क्रीन पर शो होने लग रहा होगा प्रश्न क्रमांक 13, तो जल्दी से प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर सभी साथी देंगे। किशोरावस्था में किशोरों के अंदर जो सामाजिक नेतृत्व का गुण पाया जाता है, उसका संबंध निम्न में से है। तो उसका संबंध किससे है? ए, मानसिक शक्तियों के विकास से। बी, शारीरिक संगठन के साथ। सी, स्कूल की उपलब्धियों के साथ। या डी, अन्य लिंग के साथ, ठीक है। तो अन्य लिंग के साथ या अन्य लिंग के सदस्यों के साथ, तो इसका उत्तर जल्दी से बताएंगे साथियों, ठीक है। तो देखिए, किशोरावस्था में किशोरों के अंदर जो सामाजिक नेतृत्व का गुण पाया जाता है, उसका संबंध निम्न में से है। क्या हो जाएगा 13 का उत्तर, जल्दी साथी देंगे। चलिए हम 13 का उत्तर बताने जा रहे हैं। तो 13 का जो आंसर है वो भी हो जाएगा बी, शारीरिक संगठन के साथ। तो किशोरावस्था में किशोरों के अंदर जो सामाजिक नेतृत्व आता है, वो शारीरिक संगठन के वजह से आता है साथियों, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बालक के बड़े होने के साथ साथ उसमें रुचि संबंधी प्रवृत्तियाँ, ए, अनेक रूपों में विकसित होती है। बी, निश्चित रूप से विकसित होती है। सी, संख्यात्मक दृष्टि से सीमित हो जाती है किंतु उसमें गुणात्मक परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। या डी, संख्यात्मक एवं
गुणात्मक रूप से अपरिवर्तित बनी रहती है। प्रश्न क्रमांक 14 है, जल्दी से प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर देंगे साथियों, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। तो एक बालक के बड़े होने के साथ साथ उनमें रुचियां या रुचि संबंधी प्रवृत्तियां आती है, तो ऐसा क्यों होता है? प्रश्न क्रमांक 14। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर है बी होगा इसका भी उत्तर साथियों, निश्चित रूप से विकसित होने लगती है। एक बालक जब बड़ा होता है तो उसके साथ साथ जो उसकी रुचि है वह भी क्या होने लगता है, विकसित होने लगता है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर हमने देख लिया। प्रश्न क्रमांक 15 की तरफ हम बढ़ें साथियों, तो प्रश्न क्रमांक 15 ये रहा आपके मोबाइल के स्क्रीन पर, किसी बालक में पाठन कौशल संबंधी विकास करने का उत्तम ढंग है। किसी बालक में पाठन संबंधी जो कौशल है उसके विकास करने का उत्तम ढंग क्या है? ए, उसके आत्मसम्मान को सुरक्षित करना, बी, उसे प्रशंसा द्वारा फुसलाना, सी, उसे सकारात्मक प्रलोभन प्रदान करना, या डी, उसके प्रेरकों का, देख सकते हैं प्रेरकों का मार्गांतिकरण। तो प्रश्न क्रमांक 15 जिसका उत्तर क्या होगा, जल्दी से कमेंट में जवाब दीजिए साथियों, हम इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से जवाब दीजिए जो भी साथी। चलिए हम इसका आंसर बता देते हैं, 15 का डी हो जाएगा। जी हाँ साथियों, 15 का डी, उसके प्रेरकों का मार्गांतिकरण, ये जो इसका उत्तर है आ जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 की तरफ हम बढ़ें। देखिए स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है, सामाजिक समायोजन में उत्पन्न होने वाली कठिनाई है। सामाजिक समायोजन में उत्पन्न होने वाली कठिनाई, ए, समय पूर्व परिपक्व होने वाले बालक में, बी, आयु के पश्चात परिपक्व होने वाले बालक में, सी, आयु के पश्चात परिपक्वता प्राप्त करने वाली लड़की में, या डी, आयु पूर्व परिपक्व होने वाले में होने वाली लड़कों लड़की में। तो इनका उत्तर क्या होगा साथियों, सामाजिक समायोजन में उत्पन्न होने वाली जो कठिनाई है, जल्दी से आप इसका जवाब देंगे प्रश्न क्रमांक 16। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जवाब जल्दी से देंगे साथियों, हम इंतजार कर रहे हैं। चलिए हम इसका उत्तर बता देते हैं, समायोजन में उत्पन्न होने वाली जो कठिनाई है सामाजिक समायोजन में, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा साथियों बी, आयु के पश्चात परिपक्वता प्राप्त करने वाले बालकों में। प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर हो जाएगा बी। प्रश्न क्रमांक 17 जल्दी से देखें साथियों, प्रश्न क्रमांक 17 क्या है, मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चों की पहचान की जा सकती है। मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चों की पहचान की जा सकती है, ए, संवेदनशीलता के आधार पर, बी, निष्ठा के आधार पर, सी, शक्ति के आधार पर, या डी, अनुशासनहीनता के आधार पर। जो मानसिक बुद्धि की बात होती है तो मानसिक दृष्टि से पिछड़े हुए बालक को हम कैसे पहचान कर सकते हैं कि वह बालक मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ है? एक तो संवेदनशीलता है ये तो होगी नहीं, निष्ठा भी नहीं आएगी साथियों, शक्ति के आधार पर जरूरी नहीं है कि वो मानसिक रूप से पिछड़ा है तो उनकी शक्ति कम या अधिक होगी। अनुशासनहीनता के आधार पर, हाँ ये उसका उत्तर हो जाएगा डी। आप देखेंगे साथियों जो मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, जिनका दिमाग, जिन बालकों के जो मंद बुद्धि बालक होते हैं, उनको पता नहीं होता कि ये चीज़ें बदमाशी है, कक्षा में पढ़ाई चल रही है तो चुपचाप बैठना है ना, वो अनुशासनहीन काम करने लगता है, इधर उधर घूमने लगेगा, उनको उनको आप जो डिसिप्लिन बताने वाले हैं, आप नियम बताने वाले हैं, आप अनुशासन बताने वाले हैं, उनसे उनके जानकारी का उनको अभाव रहता है। ठीक है साथियों, ये मानसिक दृष्टि से पिछड़े हुए बालक की पहचान है। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 की तरफ हम बढ़ें साथियों, तो प्रतिभाशाली, देखिए प्रतिभावान बालकों की पहचान कैसे की जा सकती है, प्रतिभावान बालकों की पहचान कैसे की जा सकती है, प्रश्न क्रमांक 18 है। जल्दी से आप प्रश्न क्रमांक 18 का जवाब देंगे साथियों, प्रतिभाशाली बालक की पहचान कैसे करें,
बुद्धि परीक्षा द्वारा, अभिरुचि परीक्षा द्वारा, उपलब्धि परीक्षा द्वारा, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से सभी है ना, इनमें से सभी है चौथा ऑप्शन। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जल्दी से बताएंगे साथियों, प्रतिभावान जो बालक है उनकी पहचान कैसे की जाती है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, देखिए बुद्धि परीक्षा द्वारा तो होता है, अभिरुचि से भी, उपलब्धि परीक्षण द्वारा, ये तीनों चीज़ें इसमें शामिल है, इसलिए इसका जो उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से सभी के द्वारा। ठीक है साथियों, उसके बाद में हमारा आता है प्रश्न क्रमांक 19, पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के बीच में अपना कार्य, कक्षा कार्य जो उसके आयु के अनुसार एक कक्षा में रहता है, उक्त किसका कथन है। ये एक कथन है साथियों, देखिए अपने अध्ययन के बीच में अपना कक्षा कार्य जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में ये जो लगा रहता है, ये जो कथन है साथियों वो किसका है, जल्दी से आप बताएंगे प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर। तो ये जो कथन है, ए जिन पियाजे का है, बी बर्ट का है, सी स्किनर का है, या डी कोहलर का है। जल्दी से ऑप्शन का आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दीजिए साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हम उत्तर बताने जा रहे हैं, इसका जो उत्तर हो जाएगा बी बर्ट। ठीक है, बर्ट द्वारा या बर्ट का ये उक्त कथन बर्ट ने दिया हुआ है। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न पर हम आए साथियों। तो निम्न में से किस बालक, ये देखिए एक पिछड़े बालक की विशेषता की बात कर रही है, उनकी समस्या की बात की जा रही है। तो निम्न में से एक पिछड़े बालक की प्रमुख समस्या क्या है, पिछड़े बालक की समस्या क्या है उसको हमें बताना है। तो क्या क्या समस्या हो सकती है पिछड़े बालक की, स्कूल संबंधी समस्या, संवेगात्मक समस्या, सामाजिक समस्या, और ये सभी। तो जल्दी से प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर देंगे साथियों, पिछड़े बालक की समस्या इनमें से सभी आएगा, सामाजिक समस्या आएगा, संवेगात्मक आएगा, या स्कूल संबंधी समस्या आएगा, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। जी बिल्कुल साथियों, इसका जो उत्तर है बी आएगा, ये सभी। ठीक है, बी इसका उत्तर आ जाएगा, ये सभी। तो साथियों आज की जो सेशन है, आज की जो MCQ टेस्ट सीरीज की ये जो क्लास है, हमने 10 MCQs इस क्लास में लिया हुआ है। तो आप सभी साथी कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि आपका 10 प्रश्न में से कितने अंक सही गया, कितने प्रश्न आपने सही किए। तो इस वीडियो में इतना ही साथियों, कल के वक्त में अर्थात प्रातः 9 बजे प्रतिदिन फिर हम मिलेंगे ऐसे ही महत्वपूर्ण MCQs प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए साथियों, जय हिंद।